हम क्या सोच के प्यार किया, हम सोचे कि हाँ वो मेरे को अपनाएगा, मेरे को खुश रखेगा। वैसा हुआ, सब कुछ चला अच्छे से, संबंध हुआ। कितने साल से उसके साथ आप संबंध में थी, रिलेशनशिप में? साल नहीं, यही लगभग 2 महीने। हम एक लड़के से बात करते थे, वो है बराड़ा गांव का, तो यही उसका कौन था ना बोलता गोपालपुर। हम तो यही बोलेंगे इन सब चक्कर में नहीं पड़ना, ये सब धोखा है हम लोग के लिए, कोई नहीं है। ना आगे सपोर्ट का है, ना पीछे सपोर्ट का है, कोई नहीं है। करने वाले में से 100% में से शायद 1% कोई कर लेता है, नहीं तो 99% सब ऐसे मुंह पे। नमस्कार, मैं आपका शुभचिंतक सानिया किन्नर। मैं अभी आ चुकी हूँ गोपालगंज जिला में, गोपालपुर थाना के बगल में जो गांव है जिसका देगांव बाजार, और वहीं के बगल में 200 मीटर बगल में जो आपके सामने जो किन्नर दिख रही है, इनका नाम इनसे पूछते हैं और क्या इनका समस्या है, किस मैटर पर लेके हम यहाँ इनके पास आए हैं, क्या इनका समाधान करना है, क्या समस्या इनसे पूछते हैं। पहले आपका नाम क्या है? नोटिस सरकार नोटिस सर। आप कहाँ के रहने वाले? कोलकाता कलकत्ता में कौन जगह, नोयाडी, जिला कौन पड़ता है? कलकत्ता जिला ही पड़ता है। जिला पड़ता है, स्टेट स्टेट तो वही है ना कोलकाता, हाँ, तो कुछ जिला कौन पड़ता है? उतना नहीं पता, हम लोग रहते थोड़ी है यहाँ पे, आ जाते हैं उतना अच्छा, लेने अपना घर पे उतना नहीं रहती। नहीं। कितना साल से आप बिहार में रहती है? इस एरिया में कम से कम 8 साल हो 8 साल गया। से है। आपका क्या मतलब, क्या आरोप है? आरोपी है ना कि हम एक लड़के से बात करते थे, वो है बराड़ा गांव का, तो यही उसका कौन था ना बोलता है? गोपालपुर था ना। अच्छा, उसका बाप का नाम पता है हाँ आपको, क्या जी, नाम है? सुनील राम। सुनील लगा, वो जात के चमार है, हाँ जी, सिविल कास्ट का है। हाँ जी। अच्छा, आप उसको क्या सोच के उससे प्यार की थी? अब तो किन्नर है, अब देखिए किन्नर है तो क्या हुआ, प्यार हो जाता है क्या उससे किन्नरों को भी प्यार होता है? जरूर, हम लोग भी इंसान है, क्यों नहीं होगा। क्या आपका अंदर भी दिल है? तो हमारे अंदर भी दिल है, हम भी इंसान है, तभी ना। बहुत सारे तो लोग बोलते हैं कि किन्नर दुआ देती है, बधाई नाचती है, किन्नर को प्यार नहीं होता, ऐसा ये बात मानना सच है कि झूठ? नहीं, सही बात है। सही बात है। अच्छा एक बात, और जिस लड़का से प्यार की थी, क्या सोच के प्यार की थी, उसको आपके साथ क्या क्या किया है? हम क्या सोच के प्यार किया, हम सोचे कि हाँ वो मेरे को अपनाएगा, मेरे को खुश रखेगा। वैसा हुआ, सब कुछ चला अच्छे से, संबंध हुआ। कितने साल से उसके साथ आप संबंध में थी, रिलेशनशिप में? साल नहीं, यही लगभग 2 महीना 2.5 महीना करीब, इतने में, मतलब इतने में इतना ज्यादा गहरापन आपको हो। 2 महीने में उससे इतना प्यार हो गया? हाँ जी, मतलब इतना हो गया ना, मेरे से चार रात भर बात करना, आना रूम पे 2-3 दिन रहना, हर एक चीज, खाना पीना, सोना, साटा पे जाना मेरे साथ, चाहे भारत का साटा हो या नॉर्मल साटा हो, साटा पे जाना, हर एक चीज, तो इतना ज्यादा करीबी आ गया। फिर वो लड़का हमसे शादी किया, हर एक चीज किया, उसके बाद पैसा वैसा शादी, लिया। आप लोग शादी करने के लिए थाए मंदिर के पास भी गई थी, तो हाँ जी, वहां पे शादी की? हाँ जी, शादी भी की है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आपको जब रिलेशनशिप में रखा था, तो कितना दिन से आप, 2 महीने से रिलेशनशिप में थी? हाँ, 2 2.5 महीने आपसे वो करीब। पैसा वैसा क्या, जैसे का बोल रही थी वहां उस दिन मीडिया में गोपालगंज, कि मेरे साथ पैसा लूटपाट किया है, क्या किया, इसके विषय में कुछ बताइएगा जनता को? हाँ, वो मेरे पास आता तो उसकी माँ के इलाज के लिए मेरे से पैसे लेके जाता था, उसके बाद फिर वो आता तो उसको हम कपड़े से लेके हर एक चीज दिया है। आता था 3,000 2,000 2,200 1,500 ऐसे कर करके लेके गया, हम एक बार उसको 4,000 1,000 ऐसे कर करके भी हम दिए है। क्या उसके उसके फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है क्या? फैमिली में कमाने वाले हैं उसके, उसका भाई जो है विदेश है, उसका पापा विदेश है, वो बाहर कमाता है, उसका घर का देखने में ठीक ठाक फिर ही आप लगता। क्या सोच के उस लड़का से प्यार की थी, जो आपको बीच से गांव में ले आकर धोखा दे दिया, इस पे आप क्या बोलिएगा? अब क्या बोल सकते, मेरी किस्मत में जो लिखा था हम क्या कर अच्छा सकते। एक हम तो बार उसको जा दिल से प्यार करते थे, उसके लिए हर एक चीज की है जो नहीं करना चाहिए, हम हर एक चीज के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं अभी आई हूँ गोपालपुर थाना, गोपालगंज जिला के बगल में, जो गोपालपुर थाना सेमरा बाजार के बगल में पड़ता है, जो डेबो बाजार, वहाँ के किन्नर जिनका नाम है नटी सरकार, जो छोटी सरकार की बहन है। और मैं आपको बता दूं कि वो एक चमार जाति के लड़का से प्यार की है, जो इनको 2 महीना में इनसे 60,000 रुपया की लूट कर लिया है, और लूटने के बाद इनको धोखा भी दिया और जान से मारने का धमकी भी देगा कि तुम ये थाना पुलिस में जाओगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। बकायदा है ऐसा तो करना, सीधा कानून अपराध है, प्यार करना कोई गुना नहीं है, इनका कहना मैं किन्नर भी प्यार कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जाते जाते मैं आपसे एक सवाल बोलूंगी कि जो किन्नर अभी तक ले प्यार नहीं किया, उनके बारे में आप क्या बोलिएगा, जो प्यार करती है, जो कह चुकी है?
हम तो यही बोलेंगे इन सब चक्कर में नहीं पड़ना, ये सब धोखा है हम लोग के लिए, कोई नहीं है, ना आगे सपोर्ट का है ना पीछे सपोर्ट का है, कोई नहीं है। करने वाले में से 100% में से शायद 1% कोई कर लेता है, नहीं तो 99% सब ऐसे मुंह पे लाते हैं। शायद ऐसे बहुत सारे जो किन्नर है जो प्यार में धोखा खाती है और अक्सर टूट के बिखर जाती है और जहाँ कहीं भी देखे तो गोडो आए दिन। अच्छा एक बात आप हमको बताइए, जितने भी किन्नर समाज के लोग हैं आए दिन थाना में जाते हैं, उनको थाना से कुछ उनको कुछ मिलता है कि नहीं? जब आप अब क्या पता उतना तो नहीं पता। अच्छा आप इसके पहले थाना में गए थे आवेदन लेके डाले हैं? हाँ हाँ जी गए थे। थाना वाला क्या बोला? थाना वाला बोला हम 2 से 3 दिन का टाइम ले रहे हैं, अब आज मिला के 5 दिन हो गया, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। देखिए इनका मीडिया का सहारा लेने का मूल मकसद ये था कि 5 दिन हो गया गोपालपुर थाना में और आवेदन दे चुके हैं, नोटिस आया है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं आपको बता दूं इन्हीं के कारण फिर से दोबारा थाने में जान। अच्छा अब की बार थाना में जाएगा तो क्या बोलिएगा? हम यही बोलेंगे आप लोग हम लोग को 3 दिन का टाइम दिया, 4-5 दिन हो गया, उसको बुलाइए, उसको जेल में भरिए, हमारा पैसा दिलाइए। उसके गांव का लोग हमको मारने का धमकी दे रहा है, बताए हम पहले बोले हम इधर उधर हमारा साटा पूजा का काम रहता है, उसका गांव का लोग हमको मारने का धमकी दे रहा है। क्या आपका मालिक इसमें सपोर्ट नहीं करता है? जिस पार्टी में पकड़ती है उसका मालिक क्या बोलता है? नहीं वो तो सपोर्टेड है, ऐसी बात नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो आज हम इतना तक थोड़ी कर पाए। लगा का नंबर वंबर लगता है, कॉलर लगता है? फोन वो नहीं लगता, फोन वोन बंद कर देता है, उसके बाद फिर क्या करता है ना फोन चालू करके उसके माँ से बात करता है, फिर फोन बंद कर देता है। कहाँ भी है वो? अभी वो तो बाहर भाग गया पैसे से लेके, हमको नहीं पता कहाँ पे है, फोन वोन नहीं होता था। देखिए नोटिस सरकार है, छोटी सरकार की बहन जिनको प्यार में मिला धोखा, और यहीं का गोपालपुर थाना के क्षेत्र का एक लड़का है जो कौन सा गांव बोली लगा का बगारा गांव का एक लड़का है जो इनसे प्यार करके बकायदे इनसे 60-70 हजार रुपया के लूट किया और लूट करने के बाद इनको धोखा देके फरार हो गया। इस पे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सही है कि गलत है। सानिया किन्नर की रिपोर्ट, देबुआ बाजार, सानिया किन्नर 24 न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।